लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माने इसमें क्या होता है बाबू, दी गई बिंदु को आपको एक ग्राफ में क्या करना रहता है, इंगित करना रहता है। ठीक है, जो आप लोग समीकरण पढ़े होंगे इसके पहले 3 पॉइंट में और 4 पॉइंट में समीकरण पढ़े हैं ना बाबू, उसी समीकरण वैसा ही समीकरण आएगा जिसको आपको किसमें इंगित करना रहता है, ग्राफ में। तो थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। पहले ये आपका ग्राफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष, इसको वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश। और बाबू ये जहां एक दूसरे को काटती है इसको ओ यानी मूल बिंदु से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? तो चलिए आपसे सवाल पूछा जाता है बाबू कि निर्देशांक ज्यामिति में कितने अक्ष होते हैं? एक्स अक्ष और एक्स अक्ष को यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है? मूल बिंदु पर। किस बिंदु पर काटती है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद बढ़ते हैं बाबू, इसको कहता है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहता है? इसको कहता है द्वितीय, इसको कहता है तृतीय, इसको कहता है चतुर्थ। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होता है, प्रथम में दोनों चिन्ह प्लस प्लस होता है। क्या होता है? इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय में, चतुर्थ में। ठीक है बाबू, इसमें सबसे पहले मान x का लिखा जाता है। किसका मान लिखा जाता है? x का। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है बाबू? अब इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव का सवाल, ये तो हो गया ना। अब सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 3, -5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है बाबू? तो देखिए पहले क्या है, कुछ नहीं है तो जोड़ का चिन्ह है, बाद में क्या है देख के बताइए किस चतुर्थांश में, बता सकते हैं? ऐसे आपसे पूछा जाए -3, -6 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस माइनस किस में है? यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। चलिए अब मान लीजिए P कोई बिंदु है, इसका हम लोग x1 y1 कर दिए। Q कोई बिंदु है, इसको हम लोग x2 y2 कर दिए। कोई दिक्कत? तो क्या कहता है बाबू, पी क्यू के बीच की दूरी, ये आपका 7.1 के लिए पी क्यू के बीच की दूरी। तो कैसे बनाएंगे बाबू पी क्यू के बीच की दूरी? तो रूट अंडर x2 - x1 दी होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 दी, बन जाएगा इस पे। ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के क्या है बाबू, सूत्र है। बना सकते हैं इस पे। जैसे हम आपको कह दें, मान लीजिए कि अगर हम कोई सवाल आपको दे दे, सपोज दैट अगर कह दे कि -2, -3 और आपको कह दे 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात कर। कोई दिक्कत? तो आप कैसे ज्ञात करेगा बनी पी क्यू, इसको क्यू नाम दिए, चलिए इसको पी कर दिए, तो पहले जो नाम होगा उसको लिखेंगे, क्यू पी के बीच की दूरी, रूट अंडर करेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहा, ये मेरा एक्स वन है, वाई वन है, एक्स टू है, सूत्र मेरा है यहाँ पे, एक्स टू में से एक्स वन को घटाना है, घटाना है ना जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू में से वाई वन को घटाना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जी, होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 = 3, 3 = 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जोड़िए तो ये कितना हो गया 42, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो अभी लास्ट में क्या लिखेंगे कि क्यूपी के बीच की दूरी, क्यूपी के हाँ बीच की क्या है, रूट अंडर 42, कितना होगा क्यूपी के बीच की दूरी कितना है बनी, 52 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए कि दो को बिंदु दे दिया, कह दिया कि इसको यह 1:2 के अनुपात में बांटता है, तो उसका क्या करना है बाबू, उसका निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक।
तो याद रखिएगा बाबू, मान लीजिए कि यहाँ पे पी कोई दे दिया एक्स वन वाई वन, क्यू दे दिया एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब कह रहा है इसको एम अनुपात एन में बांटता है, एम अनुपात एन में क्या करता है इसको बांटता है, तो आपको वह संख्या निकालनी है, पता है। तो उसका सूत्र क्या होता है बाबू, एक्स का मान निकालने के लिए होता है एम वन एक्स टू प्लस एन वन एक्स वन बटा एम वन प्लस एम टू। एक्स का मान निकालने के लिए कह दिया, अब वाई का मान निकालने के लिए यही होगा एम वन वाई टू प्लस एन वन वाई वन बटा एम वन प्लस एन वन। कोई दिक्कत? ये दूसरा फॉर्मूला बाबू क्लियर है, जो जल्दी बताइए, इसमें क्लियर है ना? इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो दूसरा आपका फॉर्मूला हो गया। अगर तीसरी फॉर्मूला की बात कहें तो आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कि त्रिभुज का क्या कहेगा बाबू, निर्देशांक निकालने के लिए उसका तीन गो बिंदु दे देगा। जैसे कह देगा पी बराबर एक्स वन वाई वन, क्यू बराबर एक्स टू वाई टू, आर बराबर एक्स थ्री वाई थ्री। कहेगा कि इसका निर्देशांक निकालिए, एक त्रिभुज की तीन शीर्ष इतना इतना है तो इसका क्या निकालना है आपको, निर्देशांक। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं बाबू, एक बटा दू। यहाँ पे क्या होगा एक्स वन, जैसे एक्स वन को पकड़ेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आइएगा वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, इसमें आ गए तो इस पर आ जाइए वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वाई वन माइनस वाई। बस यही इसका फॉर्मूला है निर्देशांक निकालने के लिए। अगर त्रिभुज का निर्देशांक कहे निकालने के लिए तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। चौथा मध्य बिंदु, क्या कहेगा बाबू, मध्य बिंदु। मान लीजिए जैसे दो गो संख्या दे दिया हमको, पी क्यू दे दिया, मान लीजिए यही दे दिया है, कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो सब लोग जानते हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए कि दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के कितने से भाग करेंगे बनी, दो से भाग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू वाई वन प्लस वाई टू बटा टू, ये मध्य बिंदु निकालने के। इससे अलग आपसे कहीं भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा और इससे अलग आपसे सवाल नहीं, कोई दिक्कत।